चुनाव के घटनाक्रम और जल्दी ये घोषणा भी हो जाएगी तेजी से रफ्तार पकड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर लोकसभा सीट से हमें अफजल अंसारी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नामित किया है। उनका यह फैसला गाजीपुर में पार्टी जनों और गाजीपुर में पार्टी के अन्य प्रकोष्ठों तथा पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की जो भावना थी, जो उनके विचार थे, उनसे सलाह करके उन्होंने ये फैसला लिया। हमने दिल की गहराइयों से इस फैसले का स्वागत किया और हमने विश्वास दिलाया है माननीय अखिलेश जी को कि हम आपके इस विश्वास को पट्टा नहीं लगने देंगे और किसी भी तरह से इस चुनाव में उन पाकिस्तानों को एक बार फिर गाजीपुर की धरती पर गाजीपुर की जनता की अदालत में परास्त करने का काम करेंगे। कुछ सवाल हैं जिनके समाधान हो गए और कुछ बिंदु हैं जो छूट गए, उन्हीं बातों को मैं नहीं दोहराकर हम उस परिदृश्य पर चर्चा करना चाहते हैं जिसको देश के लिए और शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसी परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है जिसमें देश के आगे का भविष्य तय हो जाएगा कि आगे भी देश में लोकतंत्र के माध्यम से ही चुनाव होंगे या ये देश तानाशाही हुकूमत में बदल जाएगा। इसलिए इस गंभीर सवाल पर, उस गंभीर मुद्दे पर पहले चर्चा करना चाहता हूं। स्थानीय सवालों पर बात होगी लेकिन सबसे पहले इस गंभीर सवाल पर बात करना चाहता हूं क्योंकि इस चुनाव में तो सबसे बड़ा मुकाबला आपको करना है, वो मुकाबला है झूठ का। झूठ को परोसने वाले जो साधन है उन साधनों पर नियंत्रण है सत्ताधारी दल का। हम आप जो भी मानो इस संसार में है, इस गाजीपुर में है, इस लोकसभा या इस विधानसभा में है, सब आंखों से जो देखता है या कानों से जो सुनता है, तो आंखों से देखने और पढ़ने के लिए और कानों से सुनने के लिए जो साधन है वही साधन है जिसे मीडिया कहा जाता है। और मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं देश की जनता को गुमराह करने के लिए, अपना टेम्पो हाई करने के लिए लगातार उन गोदी मीडियाओं के माध्यम से जनता के बीच में परोसी जा रही है, उसकी असलियत को परखने का समय आ गया। साथियों, आप सब जिम्मेदार आदमी हो, कोई जनता जनार्दन नहीं हो। जनता जनार्दन में ही एक व्यक्ति होकर के भी आप अपने गांव में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के एक तरह से दिशा देने वाले हैं। और आपके बीच में इस बात को, इस बिंदु को इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में सबसे पहले आपको झूठ प्रचार पर, झूठ के आडंबर पर, इन पाखंडियों के समाज में फैलाई जा रही जो मानसिकता है उस पर कहीं ना कहीं परखिए, चेक कीजिए और फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका स्पष्टीकरण कीजिए। इसलिए ये बात कहा, अभी से एक नारा आ गया, चर्चा तेजी से, अब की बार 400 के पार, मोदी का यह नारा आ गया। और अब नया स्लोगन आया, मोदी की गारंटी है। ये दोनों दिख रहा कि नहीं दिख रहा? लेटेस्ट है बिल्कुल। मैं इसकी व्याख्या करना चाहता हूं। अभी जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने जो देश में हुकूमत कर रही है और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई प्रमुख राज्यों में भी उनकी हुकूमत है,
545 सीटें हैं लोकसभा में, उसमें 400 सीटें जीत लेने का, 400 से ज्यादा सीटें जीत लेने का दावा, ये सिर्फ विपक्ष के मानसिकता रखने वाली जनता नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए आ रही है। धरातल पर यह सच्चाई नहीं है, इसको परखने के लिए मैं टेस्ट करने के लिए कुछ उदाहरण आपके बीच में दूंगा। इस भारत में 543 लोकसभा सीटों में एक प्रांत है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के खाते में पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं थी, न इस चुनाव में एक सीट मिली है। मैं 400 की हवा निकाल रहा हूं, जरा गिन लीजिएगा। 39 सीट जहां सिर्फ औपचारिकता होगी, पर्चा भरने के लिए पकड़े जा रहे लोग कि पकड़ हुआ कैंडिडेट मिल जाए कि पर्चा तो भर दे कि हम कह सके कि सब सीट पे पर्चा रख। आगे बढ़िए, आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा की सीटें हैं, एक सीट न पहले थी न एक सीट अब की आनी है। औपचारिकता करने के लिए पकड़ुआ कैंडिडेट भर करके पर्चा कह देंगे कि 25 सीटों पर लड़ रहे। आगे बढ़िए, केरल है, 20 लोकसभा की सीटें केरल में हैं, एक सीट न भाजपा के साथ पिछले लोकसभा में थी न इस बार आनी है, वहां पकड़ करके पकड़ुआ कैंडिडेट पर्चा भरवा दिया। गिनते रहिएगा, गिनती 100 क्रॉस हो जाए तो बता दीजिएगा। अब आइए तेलंगाना, 17 सीटें हैं, इन 17 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी की एक सीट पे बोहनी हो जाए तो बड़ी बात, और 39, 25, 20 और 17 मिलकर 101 हो गया, तो 543 में 101 का ऑपरेशन कर दिया हमने। ये 400 पार कैसे जा रहे हैं ये बताना चाहिए। हमारे देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में हैं, 48 लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं, पिछले चुनाव के परिणाम में 42 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी में थी। उस समय शिवसेना उद्धव ठाकरे उनके साथ थे, उनके कतार में थे, 19 सीट लेके उनके समर्थन में थे। आज महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि यह ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल और सर्वे पोल दिखाने वाले लोगों की भी हिम्मत नहीं है कि वहां कह दें कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। वास्तव में धरातल पर 10 क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात है, डबल फिगर में 10 आ जाए तो वो बड़ी बात है। सरकार तो उन्होंने तोड़ फोड़ करके बना ली। जिस अजीत पवार को मोदी जी ने कहा था 500 करोड़ रुपए का घोटाला करा इसने, और ईडी जांच कर रही है, 5 दिन के बाद उस अजीत पवार को गंगा जल से नहला करके भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी महाराष्ट्र में उनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, जिसको आप कहते हो, प्रधानमंत्री कहता है 500 करोड़ का घोटालेबाज, वो आज महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर डिप्टी सीएम। समझ सकते हैं आप कि कितनी बेकार स्थिति में भाजपा। आपको खबर मिल रही होगी, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया पे के माध्यम से अगर आप मालूम करेंगे कि वो तमाम और राज्य, बंगाल की बात करें तो जहां 42 सीटें हैं, महाराष्ट्र के बाद बड़ा राज्य बंगाल है, उन 42 सीटों में जहां 18 सीटें भाजपा जीत के आई थी, आज 5 सीट जीतना दूभर है। 5 सीट तब मिलेगी जब वहां अलग अलग वामपंथी, कांग्रेसी और वो लग गए। अगर ये मिलकर लड़ गए, एक सीट जीतेंगे बंगाल में, 42 में 42 शून्य में चला जाएगा। ये तस्वीर है बंगाल। आपने बिहार में देखा, जो एक दूसरे के लिए दरवाजा बंद कर चुके थे,
और एक दूसरे के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग कर चुके थे उसको मैं नहीं कर सकता, दोहरा भी नहीं सकता मंच पर। ये डीएनए टेस्ट कर रहे थे एक दूसरे का, और अगर बहुत सख्त स्थिति थी तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आपके पास तो नीतीश कुमार से दुगुना ज्यादा संख्या है विधायकों की, अभी मैं नीतीश कुमार की 45 है, उसके दोगुना संख्या लगभग दोगुना भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो कौन सी मजबूरी है कि आप आधी सीट हो लेकिन हम आखिरी के सर पे ताज पहना रहे हैं कि आप फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनोगे, और बना दिया। परिणाम यह है कि बिहार में क्रांति हो गई। अभी दो दिन पहले आपको खबरें मिली होगी सोशल मीडिया से, मीडिया से अंधा ने भी देख लिया कि बिहार की जनता की क्रांति में कितना दम है। गांधी मैदान में दसों लाख लोग इकट्ठा हुए और संकल्प लिया उन्होंने कि उखाड़ फेंकेंगे नीतीश के उधर बैठ जाने के बाद। मैं जातिगत गुणा भाग पर नहीं आना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना बिहार में करा दी है। पूरे भारत में एक ही राज्य है जहां जातिगत जनगणना हो चुकी, और नीतीश कुमार अपनी जातिगत जनगणना अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कराए हैं, तो उनकी स्थिति 2.75% यानी 2.75% की है। अब 2.3% आपकी औकात है, और वहां जातिगत समीकरण के आधार पर आज भाजपा करती है हमला करती है लालू के ऊपर, और हमला करती है और अल्पसंख्यकों के लिए वोट काटने के लिए ओवैसी साहब को भेजने का काम करती है। उनकी भी जातिगत जनगणना उठा के देख लीजिए। आज समाज के हर वर्ग जात के लोगों में लालू जी और उनके परिवार के प्रति एक सम्मान बढ़ा है, एक समर्थन बढ़ा है, और बिहार की रैली ने साबित किया है कि बिहार की 40 सीटों में 39 सीट पिछले चुनाव में भाजपा जीती थी, नीतीश के हट जाने के बाद तो लगता था 2-4 सीट भी नहीं जीत पाएगी, नीतीश को मिला लेने के बाद भी 10 सीट नहीं जीत सकती, डबल फिगर में नहीं जाएगी, 8-9 सीटों में अब भी भाजपा सिमट जाएगी। ये घाटा कहां पूरा होगा? हरियाणा में जहां 10 में 10 सीट आपकी थी, आज 10 में 2 सीट हरियाणा में नहीं निकलेगी। दिल्ली में जहां 7 में 7 सीट इन्हीं भाजपाइयों की थी, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने समझौता कर लिया दिल्ली की सीट पर, 1 सीट जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो चमत्कार मानिएगा। वो 7 सीटें जा रही है क्योंकि इन्होंने जनता देख रही है सरकार के ताकत का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं का जो दमन हुआ है, बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, दिल्ली में हुआ। डिप्टी सीएम बंद है, 1 साल हो गया दिल्ली का। महाराष्ट्र में मलिक साहब को जो शरद पवार की पार्टी के नेता थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे, 1 साल तक जेल में बंद रखा, अब उनकी जमानत हुई। तो तमाम वो विपक्षी नेता जो इनके खिलाफ लड़ने का जज्बा रखते हैं, जो हिम्मत से खड़े हैं, उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सीबीआई को लगाकर, इनकम टैक्स को लगाकर और ईडी को लगाकर के उन्हें तबाह किया जा रहा, उन्हें सताया जा रहा। 2 दिन चर्चा चल रहा है, खाली 2 दिन, कि जौनपुर में धनंजय सिंह भेंट करे गए लड़ा अखिलेश यादव के, चर्चा सुन ले राजा, कल कल उनका परवाना बन गया, जेल में ठुका दे उनको, खुलेआम अंधेर हो गया। मैं गैंगस्टर हूं, 45 साल हो गया गाजीपुर की इसी धरती पर, आप ही के इसी धरती में पैदा हुआ, इसी में खेला, इसी में पढ़ा और इसी में समाज सेवा और राजनीति शुरू की। मनोज सिन्हा हमारे सहपाठी हैं, 1969 में हम दोनों ने एक ही स्कूल से, श्री नरसिंह इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा की
उनके पिताजी प्रिंसिपल थे तो उनकी कॉपी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में लिखाती थी और हम लोग जनरल क्लास में लिखा करते थे, लेकिन पास हुए हैं 69 में एक ही स्कूल से दोनों आदमी। गाजीपुर की जनता की अदालत में वो भी बड़ी शिक्षा ग्रहण करके आए बीएचयू से, हम तो यही पीजी कॉलेज में पढ़े, इनमें पास करके हमने भी 85 से राजनीति शुरू की, उनका भी कार्यकाल वहीं से है। 10 बार वो जनता की अदालत में खड़े हो चुके, 10 बार अफजाल अंसारी भी चुनाव लड़ चुके, 11वां चुनाव मेरा। 10 बार पहले चुनाव का इतिहास, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी भी चुनाव लड़ चुके हैं सिन्हा जी के खिलाफ, याद है कि नहीं याद है? माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने 1999 के चुनाव में, 1998 के चुनाव में श्री मनोज सिन्हा को इसी गाजीपुर के लोकसभा सीट पर चुनाव हराया। अब 1999 में फिर वो जीते थे और 2004 तक 5 साल का कार्यकाल उनका रहा। माननीय मनोज सिन्हा जी गाजीपुर में 10 चुनाव लड़े, 7 चुनाव हारे हैं, मात्र 3 चुनाव जीते, और आपका सेवक 10 चुनाव ये भी लड़ा है, लेकिन 7 चुनाव जीता हूं और 3 चुनाव हार गया। 1 चुनाव में बलिया लड़ा था, 9 चुनाव गाजीपुर में लड़ा। विधानसभा के लिए 5 बार जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जीता करके लखनऊ भेजा। लोकसभा के लिए 2 बार, ये 11 का चुनाव, ये 11वां चुनाव जो 2024 का है। फिर माननीय अखिलेश यादव जी की, उनके फैसले से हम तो ऐसी हालात मेरे पैदा हो गए। आप लोग इसी गाजीपुर के नागरिक हो, कुछ छुपा तो नहीं है आपसे, क्या बीती है हम पर?